तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चैनल जो बात ही मेरा नाम है पामियन, वेलकम टू आवर मस्त वाली दुबई की सिटी। और गाइस मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बंदे जो है यहां पर चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ब्रो वी आर सो क्लोज टू 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, प्लीज अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज अभी कर दो। यो मैं पीछे हो जाओ भाई, भाई मेरी बहुत जल्दी है, चिकन कहां गया मेरा? तू क्या कर क्या रहा है पहले मेरे को ये बता। भाई मैंने हवा के अंदर चिकन पकड़ा था यार, मैंने सोचा था कि मैं लाइटर अगर यूज करूंगा तो ये फास्ट ट्रैवलिंग हो जाएगी मेरी। यार इसके कौन से ड्रामे है मेरे को समझ में नहीं आते, उड़ के चिकन कौन पकड़ता है यार, पहले ये मेरे को कौन समझाएगा यार। अरे भाई चपाती भाई चिकन को ढूंढो, मुझे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, ढूंढो यहीं कहीं होगा। तो चिकन के ऊपर तेरी लाइटर चमक रही है, तूने ऐसी कौन सी चीज लगा ली लाइटर के ऊपर? वो रहा चिकन, वो रहा भाई बिल्डिंग पर खड़ा हो चुका है। तू करने क्या वाला चिकन के साथ पहले ये बता मेरे को। भाई चिकन के साथ मुझे आज बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना है। ओके मैं भी एक काम करता हूँ, मेरे को इसके आसार ठीक नहीं लग रहे, तो फटाफट से ब्रोस हम भी यहाँ पर एक छोटी सी इलाइट्रा पहन ही लेते हैं। तो लोगे ने चिकन को पकड़ा, आ जा चिकन लेट्स गो। क्या कर रहा है यार? आई थिंक ये रस्सी मजबूत नहीं है यार। अबे वो चिकन ऐसे नहीं उड़ते भाई, तू कर क्या रहा है भाई? पहले ये बता मेरे को तू करना क्या चाहता है, प्लानिंग क्या है तेरी? आखिरकार चिकन को बख्श दे मेरे भाई। भाई मुझे जानना है कि चिकन के अंदर कौन सी चीज यहाँ पर छुपी हुई है। भाई इस चिकन के अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है, को पता है ना कि वो चिकन है भाई? तू निकल अपना काम कर, चल रहने दो भाई, ये चिकन मैं साथ में लेकर जाऊंगा। आ जाओ भाई मैं तो अपनी लैब के अंदर बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तू क्या टुकड़ टुकड़ देख रहा, मारता क्यों नहीं है इसको? ओके चपाती भाई हैंग ऑन अ सेकंड, अभी लॉगिन ने बोला कि इसने छोटी सी लैब बना के रखी हुई है। तेरी लैब कहां पर है भाई? अपने घर के पास ही बड़ी मोटी लैब है, आ जाओ। ए तू भाग जा भाई, तेरे ऊपर खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला, निकल। चपाती भाई पीछे से रस्सी काट ली। ये क्या तूने बना के रखा है? तो ये है मेरी खतरनाक लैब, देख रहे हो ना भाई? बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, एकदम बहुत भाई भाई भाई, भाई, भाई ये तू काला जादू कर रहा है मेरे को यहाँ पर। और पहले ऊपर मुझे चिकन को डालना है कॉल्ड्रन के अंदर। भाई तूने वहाँ पर वो भी लगा कर रखी है, क्या नाम है इसका? एंड क्रिस्टल अभी पड़ेंगे इसके ऊपर, तीर कमान, लेट्स गो। ये है क्या भाई, तू कर क्या रहा है भाई? ये है मेरी खतरनाक लैब, यहाँ पर मैं सारे अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। बहुत प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल लेवल की तूने लैब बना कर रखी है ना, एकदम एकदम लाइक मॉडर्न मॉडर्न लुक तूने देख रखी है। नाइस है भाई, ये देखो भाई मैंने सबसे पहले ड्रैगन के साथ भाई एक्सपेरिमेंट किया, अंदर से देखो भाई मैंने दांत निकाल दिए उसके। भाई सही बात है। उसके बाद मैंने क्रीपर के ऊपर भी किया। ओहो मतलब कि करने वाला हूं चिकन के साथ, सारी मॉब्स के सर निकाल रहा है, अंदर से दिखाना मेरे को। अरे आ जाओ चपाती भाई, दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो ये देखो भाई सबसे पहले यहां पर दीवार के ऊपर आते हैं हमारे पोशन। भाई तू चिकन तू भाग ले, तेरी खैर नहीं है यहाँ पर भागने वाला, देखो भाई अभी वहीं पर ही अटक चुका है वो। ओके अभी ये क्या भाई, रेडस्टोन और साथ में कोल्ड्रन और साथ में ये बैरल, भाई ये कौन सा चिकन का चिकन वाली गाड़ी बना रहा क्या तू? तो ये देखो भाई यहाँ पर आता है हमारा ठंडे पानी वाला कोल्ड्रन, यहाँ पर आता है पता नहीं भाई ये गर्म वाला है और ये पॉइजनस वाला। भाई साहब तू भाई कर क्या रहा है भाई? तो यहाँ पर भाई हम चिकन के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके अभी ये बैरल के अंदर क्या पड़ा है? तो बैरल के अंदर मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है भाई, आई थिंक इसके अंदर फ्यूल पड़ा होगा। और सारा माल मेरे को लगता है ब्रोस ये लौंडा जो है सारा माल ये इस पड़े एंडो चेस्ट में से निकाल रहा है ये। अरे भाई हमारे लैब में सबसे एक्सपेंसिव चीज यही है। अच्छा और मैंने बाहर भी दो तीन चीजें देखी है, ये क्या है भाई? ये क्या भाई ये? यार ये भाई ये है हमारा खतरनाक हेलीकॉप्टर, देख अच्छा, रहे हो ना? अच्छा ये हेलीकॉप्टर है। हाँ काफी पखे कुछ ज्यादा ऊपर तूने नहीं लगा लिए हेलीकॉप्टर के ऊपर? भाई यही तो टैक्टिक होती है भाई, जितने ऊपर पखे जाएंगे ये उतना स्पीड में जाएगा। क्या बात कर रहा है भाई, ऐसा ही होता है ये। और पखे तेरे को लगता नहीं है कि हेलीकॉप्टर से ज्यादा बड़े तेरे पखे हो चुके हैं भाई? क्या माजरा क्या है इसका? अरे भाई ये और ज्यादा एरोडायनामिक्स के लिए। अरे मैंने देखा है एकदम भाई नेचर के साथ यहाँ पर बॉन्ड। नूबड़े बंदे मैंने देखा गलियों के अंदर वो हेलीकॉप्टर देते हैं, वो ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसे ऊपर छोड़ते हैं, तो मेरे को वही लग रहा है ये वो नहीं है भाई, हमारा प्रोफेशनल हेलीकॉप्टर है। हाँ बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है मेरे को। और ये क्या है? ये रहा हमारा पेट डॉल्फिन जिसको भाई मैंने ऑलसो रस्सी के साथ भी बांध के रखा है। अच्छा बाहर आ जाती है क्या ये? भाई हमेशा बाहर आके भाग जाती है यार, इसलिए मैंने इसको बांध के रखा है। ये तू घनाबंदी कर रहा है, ये ले मैं तेरे को फ्री में गोल्ड का ब्लॉक दे रहा हूँ, ठीक है? और अब यार मैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लगाऊंगा ऐसे, गोल्ड से डेकोरेशन कर रहा हूँ नूबड़ा बंदा। इधर आ, ये सबसे पहले कचरा यहाँ से निकालो भाई। इधर आ मैं तेरे को अपनी लैब दिखाता हूँ भाई, मैंने भी खतरनाक वाली लैब बना कर रखी हुई है, और तू मेरे एक्सपेरिमेंटेशन देखेगा ना एकदम से तू हिल जाएगा। भाई मुझे नहीं लगता कि आपकी लैब मेरे लैब से ज्यादा बेहतर होगी। वो तो भाई मेरे वक्त ही बताएगा। और ये देख सामने मेरी लैब और सामने भाई मेरी सिटी एकदम सेपरेट।
भाई साहब ये कैसी लैब है वो? ये देख रहा है, ये मेरी 50 गाड़ियों वाला गैरेज ही मैंने यहाँ पर बना के रखा है। मेरी ग्रास देख रहा है, एकदम जर्मनी से मैंने मंगा के रखी है। ये ग्रीन वाली ग्रास कटी हुई है भाई, मैं स्मेल कर रहा हूँ अभी, फ्रेश कटी हुई है। और ये देख, ये है अपना खतरनाक वाला मेंशन। इधर मैं तेरे को अंदर से फटाफट से टूर करवाता हूँ। और किसी चीज को हाथ मत लगाइयो, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर मेरी बहुत खतरनाक वाली चीजें हैं। हर एक जगह पर मैंने यहाँ पर वायर वगैरह लगा के रखी है, ट्रिप वायर। अगर तूने गलत ट्रैक एक्टिवेट कर लिया ना तो भैंस की लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा दिखाओ भाई अपनी लैब मुझे, देख। ये देख अंदर से आते ही ब्रोस अपना लिविंग रूम, यहाँ पर मैं बनूंगा लावा। सर्दियों के अंदर एकदम से वार्म वाली फील आएगी मेरे को यहाँ पर, देख रहा ना? तो नीचे स्नो रखी हुई है। और इस तरफ अगर मैं जाके देखू तो ये रहा ब्रोस मेरा डाइनिंग टेबल भाई, और साथ में मेरा ये कॉफी टेबल पड़ा हुआ। ये बड़े लोगों के लिए होता है, छोटे मोटे बंदे यहाँ पर अलाउड भी नहीं है यार। ये वाला मेंशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये देख, ये रहा ब्रोस अपना लिविंग रूम, साथ में मस्त है यार, साथ में अपने भाई। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, थैंक यू। चल तू खा ले। वैसे तेरी लैब की हालत और मेरी तेरी हेल्थ की हालत मेरे को लिटरली सेम लग रही है। और ऊपर मत जाइए, ऊपर हाथ है मेरे प्राइवेट बेडरूम। और देख रहे हैं मेरे बीकन की कलेक्शन यहाँ पर, देख रहा हूँ भाई क्या मस्त वाले बीकन आपने लगा। और ये देख बहुत ज्यादा पैसा आ चुका मेरे पास। एक और डाइनिंग टेबल बना हुआ है, ये सिर्फ हमारे VIP गेस्ट के लिए होता है, जो कि सिर्फ बिच्छू गैंग के अंदर होते हैं। और अगर मैं तेरे को यहाँ से जाकर देखू ना एरिया है, ये ऊपर देख 50 इंच का टीवी लगा हुआ है ऊपर भाई। इतनी भाई ये गर्दन तोड़ने वाला टीवी है भाई। अच्छा तेरे पास कौन सा टीवी है पहले मेरे को ये बता। और ये देख भाई मेरे पास लेटेस्ट खिलौने भी हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं भाई। आपके पास तो छोटे छोटे डॉल्स भी हैं भाई। तो ये देखो ड्रीम वाला डॉल है, मेरा डॉल कहाँ पर है? ऊपर लगा कर रखा है। ओके तो ड्रीम है, मैं खुद हूँ। उसके बाद फ्लीट भाई आते हैं, टेक्नो भाई, स्मार्टी, मिस्टर बीस्ट, लॉगी, बिक्सू, ये कौन है? ये अज्जू भाई है। और साथ में खतरनाक ईशान भाई, देख रहे मेरे पास लेटेस्ट खिलौने भी है यहाँ पर। बीस्ट वाला भी आपके पास है यार। आए तू मेरे को कम समझ रहा है क्या? अभी इतना ये तो कुछ भी नहीं है भाई, एक बार भाई मैं तेरे को अपने लैब की लेटेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन दिखाता हूँ भाई। तू मेरी लैब की एक्सपेरिमेंट देखेगा ना, एकदम हिल जाएगा। बाहर कैसे निकलते, मैं खो गया अबे बाहर आ चल। और वो देख ऊपर मेरा लेटेस्ट प्लेन है भाई, वो प्राइवेट जेट है एकदम से। प्राइवेट जेट भी यहाँ पर आ चुके हैं, देखते दो ये उड़ाने का नहीं है। अरे ये तो चलता भी है भाई, मुझे बंद हो गए। ओके देयर वी गो, एक और भाई प्लीज मत कर भाई। नीचे कैसे जाता है? अच्छा अच्छा मिल गया भाई बटन, मिल गया। तोड़ दिया तूने मेरा प्लेन भैंस की आंख। मैंने एकदम से ब्रांड न्यू प्लेन मंगा कर रखा था और अब भी टूट चुका है। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रोस, लोग ये देख, ये रही अपनी मॉडर्न जकूजी भाई। जकूजी है भाई, यहाँ पर लिली पैड्स भी बने हैं। अरे ये फील लेने के लिए होता है भाई, ये देख रहा है तू नहीं समझेगा भाई। तेरे पास गरीबों वाले, अच्छा तेरे पास कौन सी जकूजी है पहले मेरे को ये बता भाई। डॉल्फिन के पास है ना भाई, डॉल्फिन की धमकी मेरे को दे रहा है तू? इधर आके दिखा, मैं तेरे को अपने पेट्स दिखाऊंगा ना, तू एकदम भाई तू सोचेगा। भाई मैंने भी तेरे को बोल कर रखा था कि मैंने भी ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन ऊंचे लेवल के करके देखी है। अभी ये देख मेरे एक्सपेरिमेंट्स, क्या है ये? क्या भाई किधर गई? ये रही अपनी डॉल्फिन। आपके पास भी नॉर्मल डॉल्फिन है भाई, लेकिन मेरी डॉल्फिन इससे ज्यादा बड़ी थी। सबसे पहले मुझे डॉल्फिन को खाना देना। तो ये रही अपनी सैल्मन आ चुकी है, ये ले डॉल्फिन। ये ऐसे नहीं खाएगी भाई, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है आपको। अबे ये ले पानी के अंदर फेंक रहा हूं, ये ले इधर मर ले। जा रही है, जा रही है, रहने दे, भूख नहीं लगी उसको। इधर आ, ये देख मेरे यहाँ पर लैब के अंदर स्विच लगी हुई है, गोल्डन एप्पल वाले बटन भाई दबाओ। ये देख अगर मैं इसके ऊपर दबाता हूँ ना तो अपनी डॉल्फिन एकदम से छोटी हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ भाई, कितनी हो गई है वो देख रहा है, नॉर्मल साइज से छोटी हो चुकी है वो। अभी ये देख नॉर्मल लग रही है, लेकिन चलो भाई ये तो और ज्यादा बड़ी हो चुकी है भाई साहब। खाने की कोशिश कर रही है यार, काट लेगी आगे में चाहिए उसके। लेकिन अगर मैं ये फाइनल वाला बटन दबाऊं ना तो फाट वो छोटा कर, वो निकल गई भाई बाहर ले। क्या चोमो बंदी कर रहा है तू भाई? लेकिन यार आपके पास और भी तो पेट्स थे ना भाई, और बाकी काम तेरी वजह से मेरी डॉल्फिन मर गई। वो क्या है भाई, वो छोटा सा पिद्दी। ये है हमारे मिनी पिग, सो ये है हमारा बड़े वाला पिग, और ये है हमारा छोटे वाला पिग, देख रहा है? ये बताओ कि आपने पिग छोटा कैसे किया? अरे यही तो स्किल होते हैं अपने भाई। इसके पास भाई मेरे पास ऐसे पोशन है ना भाई, माइनक्राफ्ट की विचो के पास भी ऐसे पोशन नहीं होगी जो मेरे पास है। ये दिखाओ ना चपाती, आपने कैसे किया भाई? मैं तेरे को नहीं दिखाऊंगा, चल कैसे भाई। आपके घर के बाहर भी बटन लगे हुए हैं, वो चमत्कारी बटन है। चल एक काम करते हैं, मैं तेरे को पावर दिखाऊंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ हाइड एंड सीक की गेम खेलनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसा क्या, चलो मैं रेडी हूं, रेडी हूं। सबसे पहले मैं छुपना ही, सबसे पहले तू छुपेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक कैच ये है कि तेरे को यहाँ पर बटन दबा के पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मिलती है हमको रैंडम पावर, ठीक है? ओके, और उस रैंडम पावर की मदद से तेरे को जाकर छुपना है, ठीक है? मैं रेडी हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने 10 तक गिनता हूँ, 10
9 तो मेरे पास गाइस यहां पर 10 सेकंड है, तो मुझे जल्दी से पहले पावर लेनी है भाई। ये क्या हो रहा है? 6 अब यार इतनी बड़ी पावर भाई, मैं इसको यूज करके कैसे काम करता, मैं इस तरफ चला जाता हूं। 4 3 काम करता है, मैं घर के पीछे ऐसे छुप जाता हूं। देयर वी गो, ये एकदम से मस्त है। 1 ओके लॉगी, मैं आ रहा हूं यार। मुझे तो बड़ी खतरनाक पावर मिल चुकी है। मेरे को पता है इसको क्या मिला भाई। ऑब्वियसली ब्रोज मेरी लैब है और मेरे को एग्जैक्टली पता है कौन सी चीज कहां पड़ी होगी, और इसको ढूंढना इतना मुश्किल तो होगा नहीं, क्योंकि अभी इसने बटन दबाया और मेरे को पता है बटन दबाते ही लॉग ही अपना एकदम से जाइगेंटिक बंदा बन चुका होगा। चपाती बाप कहां पर हो यार? मैं आपको भाई बहुत बड़ा क्लू देने वाला हूं। तू है कहां पर? लिटरली मुझे मिस कर ही नहीं सकते भाई। ओ, मैंने तेरे को देखा भी नहीं। ये रहा यार, आपने मुझे कैसे देख लिया यार? भाई तू इतना बड़ा है ना कि तू छुप भी जाएगा। तू अगर हाथी के पीछे भी छुपे गए तो मैं तेरे को देख लूंगा। चीटिंग किया यार आपने, मुझे जानबूझ के ये वाला बटन दबाने को भाई। अभी तेरी बारी है मेरे को ढूंढने की, ठीक है? चलो भाई अभी वही वाला बटन दबाना। चल बे भाई, तू खुद ही फिगर आउट कर ले। अभी तेरे को फिर से वो वाला बटन दबाना और देखने क्या गिफ्ट मिलता है तेरे को। ठीक है मार रहा हूं। चल अभी जा, तू वहां पर छुप जा। ठीक है भाई, मैं यहां पर कोने के अंदर खड़ा हो जाता हूं। ओके, अभी मेरे को पता है ब्रो से एग्जैक्टली मेरे को यहां से क्या मिलने वाला है। अनफट दब जा बटन। 4 ये रहा, और बटन दबाते ही ब्रो से बचने को एकदम से पिदी। लेट्स गो 8 9 और 10 चपाती भाई आ रहा हूँ मैं। मेरे को पता है कि इससे कहाँ पर छुपना है। हम यहाँ पर छुपेंगे अपने बाकी खिलौनों के साथ। लेट्स गो। वेट हैंग ऑन अ सेकंड, यहाँ पे मैंने अभी किसी बंदे को देखा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बंदे को मारते हैं गोली। और अभी मुझे अपनी पूरी इन्वेंटरी खाली करने, ताकि लॉगी को कभी पता भी ना लगे। एंड फट से ये देखो, किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ लॉगी के पीछे छुपा हूँ। चपाती भाई जरा मुझे क्लू देना भाई, आप घर के अंदर हो या बाहर? मैं छुपा हूँ घर के अंदर। ओके मैं आ रहा हूँ फिर। भाई अभी मैं सीधा आ रहा हूँ घर के अंदर। मैंने नेदरराइट की सोट पकड़ के रखी है इस बार। कहाँ पर है तू? ओके भाई अभी मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। मेरे को तो नजर भी नहीं आ रहा ये। कहाँ पर हो यार? ओके आजा तू कहाँ पर है? तू मेरे को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं आप यहाँ पर मेन रूम के अंदर कहीं ना कहीं हूँ। ओके सही दिशा में तो आने वाला है, लेकिन पता नहीं कौन से रस्ते से आके मेरे पीछे तो नहीं है। ओके नहीं है मैं भाई, मैं एक सेकंड के लिए एक्चुअली डर गया था भाई। मेरे को लगा था कि अगर उसने मेरे पीछे से आके कहीं मेरे को थप्पा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई आपकी स्मेल यहीं कहीं से ही आ रही है भाई। कहाँ पर हो आप? ये रहा भाई मेरे सामने भाई साहब। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि लिविंग रूम के अंदर आप कहीं ना कहीं होंगे भाई। लिटरली ब्रो, भाई मुझे तो पता भी नहीं है चपाती भाई को कौन सी पावर यहाँ पर मिल चुकी है। मेरे विजिबिलिटी भी हो सकती है। मेरे सामने से निकल के गया। कहाँ पर हो चपाती भाई? भाई आपकी आवाज यहीं कहीं से आ रही है, किचन वाले रास्ते से। जो अज्जू भाई के पीछे छुप जाते हैं। कहाँ पर हो भाई? अज्जू भाई के पीछे। भाई अज्जू भाई के पीछे आप कैसे छुप रहे हो? इसे सुनकर से लिया भाई मेरी आवाज। इसका मतलब ये कि आप यहीं कहीं हो भाई, इसी रूम के अंदर। मे बी आप डॉल्स के पास हो भाई। डॉल्स के पास हो आप यहाँ पे? ओके ओके, जरा गौर से देखता हूँ भाई। पहले मैं ड्रीम वाले की तरफ देखता हूँ। कहाँ पर हो भाई? ये रहा बिल्कुल मेरे सामने। मिस्टर बीस के पीछे है क्या? मिस्टर बीस, वाओ भाई ये तीर कहाँ से आया? चपाती भाई आप कहाँ से तीर मार रहे हो यार मुझे? अरे पीछे से पड़ा भाई अज्जू भाई, मुझे तीर मार रहे हैं। वाओ ये रहा तूने मेरे को देखा भी नहीं। ये देख भाई, वो छोटे से कैसे हो चुके भाई? आपके पास कौन सी पावर आ चुकी भाई? है भाई, तेरे को मैंने बोल कर रखा था कि मेरे पास एकदम से खतरनाक लैब है। और पता है क्या चक्कर है लोगी? मैं अपने घर के अंदर उड़ता हूँ तो क्या मजा आता है ये देख। स्लो मोशन में जा रहे हो यार, ये कैसे किया आपने? तादा, और अभी जाके मेरे पास बड़ा होने की एक सीक्रेट पावर भी है, जो कि बिल्कुल मेरे घर के इस तरफ पड़ी हुई है। लेट्स गो। और भाई लॉगी मेरे को कभी पकड़ भी नहीं पाएगा, और मैं कितने स्लो मोशन से उड़ रहा हूँ भाई, एकदम फूलों के अंदर से, फूलों के ऊपर से। लेकिन मैं कितना ज्यादा तेज जा रहा हूँ यार, भाई पूरा मजे ले रहा हूँ यहाँ पर लाइट रख के। तो गाइस अभी मेरे को ये वाला बटन दबाना है। ये देखो लिखा हुआ है प्रेस फॉर रीसेट एंड बटन तो मैंने देखा ही नहीं। चलो चपाती भाई दबा दो, आपने मिस कर दिया बटन को। भाई रुक जा मैं फिर से दबाता हूँ, मैं भी कोई ग्लिच आ चुका है यहाँ पर। एंड फट भाई बटन को मिस कर रहे हो आप, अभी दबाओ। एंड इसी के साथ ही भाई मैं एक बार फिर से बड़ा हो चुका हूँ भाई। मानता है ना कि मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट लैब है यार। वैसे यार आपकी लैब तो यार बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बोलना पड़ेगा। चलो कि मेरे को पता है कि तू नाराज हो चुका है। 3 दिन के लिए चीफ शहर से बाहर, तो हम 3 दिन इस खतरनाक वाले बंगले के अंदर ऐश करते हैं और 3 दिन के बाद ये तोड़ देंगे। भाई मैं हॉलीडे जरा मार के आता हूँ। पर एनीवेज गाइस इस वीडियो के अंदर इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको मुझे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंस अगेन वी आर सो क्लोज टू 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आपको पता है 10 मिलियन पर क्या कर रहा भाई? 10 मिलियन पर हम अपना प्ले बटन खोलने वाले हैं, वो भी एंटार्क्टिका के अंदर। तो प्लीज एक छोटा सा ड्रीम है, आपको मेरी हेल्प करनी है इसको पूरा करने में। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।